हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज है 9 सितंबर, तो अभी टाइम हो रहा है 5:30 का। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग, लेट्स स्टार्ट। डेढ़ राउंड लगाने के बाद ही सांस फूल गई है, कुछ गर्मी नहीं है, फिर भी सूरज भी गरूब नहीं हुआ है। तो जैसे तैसे 3 राउंड तो कंप्लीट करने हैं मुझे, 3 राउंड तो कंप्लीट करूँगा। चले गाइस, मिलते हैं बाद में। गाइस, यहाँ पे टाइम हो चुका है 7:30 और अब टाइम हो गया ड्यूटी का, तो अब मैं ड्यूटी के लिए निकल रहा हूँ। ताहिर भाई आ गए हैं, सामने खड़े हुए, मुझे मैसेज किया आ जाओ, तो मैं आ गया। अभी मुझे जाना है डेरा सिटी सेंटर, वहाँ पे कोई शॉपिंग वगैरह करनी है, तो फिर काम पे निकलूँगा। गाइस, अभी मैं आ गया हूँ वाफी मॉल में। जाना था मुझे डेरा सिटी सेंटर, लेकिन मेरा जो मेन काम था वो डू के ऑफिस का था, तो यहाँ पे भी डू का ऑफिस है, तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ। क्योंकि जो डेरा सिटी सेंटर में डू का ऑफिस है वो बहुत ज़्यादा बिजी होता है, तो यहाँ से बता करता हूँ। मेरा जो मंथली पैकेज था मोबाइल का, वो इन्होंने एक्सटेंड कर दिया। पहले 165 में पे करता था पैकेज का, लेकिन अब इन्होंने कर दिया 225। तो मुझे वो पैकेज अपना ख़त्म करवाना है और एतसलात का पैकेज लूँगा। दुबई में 2 टेलीकॉम कंपनियाँ चलती हैं, एक एतसलात और एक डू, तो मुझे ये पैकेज ख़त्म करवा के फिर डू का लेना। चलिए, मैं अब आ गया हूँ यहाँ पे उनसे बात करता हूँ, तो फिर ब्लॉग को बाद में कंटिन्यू करें। टिल देन सी यू, बाय गाइस। मुझे दोबारा से आना ही पड़ा डेरा सिटी सेंटर में, क्योंकि वहाँ पे मेरा काम हुआ नहीं था। उन्होंने कहा था कि डेरा सिटी सेंटर में जाओ, क्योंकि यहाँ पे उनकी बड़ी शॉप है। तो अब मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे देखता हूँ पहले एतसलात से, अगर वहाँ से मुझे कोई अच्छा पैकेज मिल जाता है तो फिर मैं एतसलात का कनेक्शन ही ले लूँगा, एतसलात की सिम ले लूँगा, वरना फिर मुझे डू की सिम लेनी पड़ेगी। उसका पैकेज का रेट अब ज़्यादा हो गया, अब हो गया 200 दिरहम तक, तो मैं वो पैकेज भी लेना चाहता हूँ। देखते हैं ये लोग क्या कह रहे हैं। ये है डेरा सिटी सेंटर, यहाँ पे आज मैं आपको डेरा सिटी सेंटर भी दिखा देता हूँ। पहले भी दिखाया था, लेकिन ये वाली साइड नहीं दिखाई थी। ये डेरा सिटी सेंटर है, बहुत अच्छा मॉल है, तकरीबन हर तरह के ब्रांड आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, सस्ते और महंगे हर तरह के। फिर एतसलात का ऑफिस किधर गया? इधर ही तो था। गाइस, जिस काम के लिए मैं आया था एतसलात का ऑफिस, वो यहाँ से क्लोज़ हो चुके हैं, देख रहे हैं यहाँ पे रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो ये ऑफिस यहाँ पे क्लोज है इनका। तो मैं चलता हूँ डू के ऑफिस में, वहाँ पे देखता हूँ, उन्हीं से बात करता हूँ, अगर वो वहाँ से मुझे कुछ अच्छा पैकेज मिल जाता है। और वहाँ तक जाते जाते मैं आपको यहाँ का व्यू भी दे देता हूँ। गाइस, ये है डेरा सिटी सेंटर, यहाँ पे भी नहीं हो पाया। इन्होंने भी बोल दिया कि दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा, दुबई मॉल में, बोल रहे दुबई मॉल में जाके तो वहाँ से रिन्यू करवाओ, तो अब मुझे दुबई मॉल में जाना पड़ेगा डू के ऑफिस में। तो गाइस, कोई भी काम नहीं हुआ मेरा, मुझे यहाँ से निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि जो मैं ढूंढ रहा था वो भी नहीं मिला, तो टाइम ज़ाया किया मैंने, 2 घंटे काम कुछ किया नहीं, 2 घंटे ऐसे ही ज़ाया कर दिए। चलिए, मैं निकलता हूँ यहाँ से, तो फिर व्लॉग कंटिन्यू करेंगे बाहर से। हेलो गाइस, तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ एच होटल में। ये मेरी बैक साइड पे आप देख रहे हैं, ये एच होटल है यहाँ पे, ये वाली बिल्डिंग, और ये मेरे सामने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ये है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग, और साथ में वन एंड ओनली, ये दोबारा से आज मैं इधर आया था,
और ये है एच होटल, यहाँ देख रहे हैं आप। एक दफ़ा मैं पीछे से जाके आपको इसका व्यू करवा देता हूँ। ये देखिए बहुत प्यारी खूबसूरत सी बिल्डिंग बनी हुई है। ये वाली बिल्डिंग जो है, ये वाली बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है, एच होटल। और ये है इस साइड पे, ये वाली जो सामने राउंड अबाउट देख रहे हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का राउंड अबाउट है ये। तो ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग, ये है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग, जो ये वाली, ये बिल्डिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाली है। और ये वन एंड ओल्डी होटल है लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी बन नहीं रहा। और जो साथ में आप ब्रिज देख रहे हैं, ये वाला ब्रिज, ये वाला, ये है मेट्रो का ब्रिज है ये, जो दुबई में मेट्रो चलती है, ट्रेन जो चलती है उसको मेट्रो कहते हैं यहाँ पे, तो ये उसका ब्रिज है। तो ये रहा एच होटल। मैं इस साइड पे आया था, मैंने कहा मैं आपको ये होटल चेक करवा देता हूँ, आप देख लीजिए। ये एच होटल है, उसके साथ शेरटन होटल। अभी मैं यहाँ से निकल जाता हूँ ताकि ये पार्किंग वाला ज़्यादा शोर ना करें। और ये है शेरटन होटल। ये रोड पता नहीं क्यों आज बहुत बिजी है, क्या हुआ है यहाँ पे। शेख जायद रोड। लेकिन अब हम यहाँ से कल्टी मारते हैं और बाहर निकलते हैं ऐसे, उस साइड पे ट्रैफिक बहुत है, हम यहाँ से निकल जाते हैं। गाइस अभी हम मौजूद हैं एड्रेस फाउंटेन व्यू पे, ये मेरे बैक साइड पे आप देख रहे हैं, ये डाउनटाउन का एरिया है। और यहाँ पे एड्रेस के नाम से 5 होटल हैं। ये है एड्रेस फाउंटेन, फाउंटेन व्यू, और इसके बाद एड्रेस डाउनटाउन, एड्रेस दुबई मॉल, एड्रेस बुलेवार्ड, इसी तरह ये बाकी होटल हैं। ये देखिए यहाँ पे इस होटल की लॉबी, ये लॉबी है यहाँ पे होटल की, ये ऐसे, ये होटल, और ये वाला सारा डाउनटाउन का एरिया है, देख रहे हैं। रात के टाइम बहुत ही प्यारा लग रहा है, नाइस व्यू है। तो गाइस अभी आपने देखा डाउनटाउन, डाउनटाउन में होटल एड्रेस, एड्रेस फाउंटेन व्यू। तो अब चलते हैं दूसरी लोकेशन, सी यू, बाय। गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूं सतवा के एरिया में, तो यहां से मैं आपको दिखाता हूं ये जो बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये होटल स्काई व्यू है, एड्रेस स्काई व्यू, और साथ में बुर्ज खलीफा आप देख रहे हैं। ये सतवा का एरिया है, सतवा वाली साइड पे, बिल्कुल सिटी वॉक के अपोजिट पे, यहाँ पे ये चीज, यहाँ ये देख रहे हैं जो दो बिल्डिंग है एक साथ हैं, ये सेम कॉपी है जैसे मलेशिया में दो टावर्स बने हुए साथ में और उनको अटैच किया, उसी तरह से ये है, ये जो दो टावर बने हुए, इन दो टावर्स का नाम है, ये होटल है एड्रेस स्काई व्यू, रिसेंटली ओपन हुआ। और ये जो जगह आप देख रहे हैं जो कनेक्टेड है, ये इन्होंने यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बनाई है, यहाँ पे ये हिस्सा मिरर का बना हुआ है और सिर्फ विजिटर्स के लिए, तो जब कोई वहाँ पे जाता है तो उसको ऐसी फीलिंग ही आती है कि जैसे वो शीशे के ऊपर वॉक कर रहा है और वो नीचे गिर जाएगा, जैसे वो स्काई के ऊपर है, नीचे कोई चीज़ नहीं है। बहुत ही अच्छी जगह बनी हुई है, बहुत ही प्यारी जगह है वो। कभी इतफाक़ हुआ तो मैं आपको वहाँ पे लेके जाऊँगा और वहाँ से आपको दिखाऊंगा। ये देखिए ये जो दो टावर्स हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये दो टावर्स और साथ में ये बुर्ज खलीफा है। अभी टाइम हो चुका है 3:30, तो ड्यूटी आज मैंने थोड़ी जल्दी ख़त्म कर दी है। तो गाइस अगर आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आज की वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आने वाले नई वीडियोज़ के लिए देखते रहिए शहबाज हुसैन द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, सी यू, बाय।